हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए हैं आपके लिए आज का आपको न्यू हीरो का सेशन। और आज के न्यू हीरो हैं आपके हेमंत करकरे जी, एंटी टेरर स्क्वाड ऑफ मुंबई के पुलिस चीफ, जिनकी 2008 में एंटी टेरर ऑपरेशंस में डेथ हो गई थी। तो क्या थे ये, कैसे इंसान थे और किस ऑपरेशन की डेथ हुई, सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सेशन को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे सेशन आपको मंडे टू फ्राइडे हर दिन 2:30 बजे मिलते रहें। ये हैं आपके हेमंत करकरे, ये चीफ थे मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड के 2008 में, जो आपका मुंबई अटैक हुआ था। और इनके डेथ पे मेरे को याद है, हम ऑलमोस्ट सब जो मेरी एज के होंगे उनको सबको याद होगा कि 2008 में सब टीवी के सामने बैठे हुए थे जब आई हेमंत करकरे की डेथ हो गई है। इनके वाइफ का वो रोता हुआ चेहरा, इनकी दो बेटियाँ और इनके जो बेटा था वो कैसा चेहरा हो गया था उनका। उनकी बेटी ने तो अभी बुक भी लिखी है, ठीक है, हेमंत करकरे और डॉटर्स मोमोयर बाय जुए करकरे। तो हेमंत करकरे जी आपके एंटी टेरर स्क्वाड के हेड थे, ये चीफ थे जो आपकी मुंबई ब्रांच के क्राइम ब्रांच के। और इनकी डेथ आपकी सेंट जेवियर्स कॉलेज और आपका रंग भवन के बीच एक पतली सी गली थी, वहाँ हुई थी, जब अबू इस्माइल जो आपका टेररिस्ट था उसने इनकी कॉलेज जीप के ऊपर मतलब अंधाधुन गोलीबारी शुरू कर दी और गोली इनके वेस्ट को चीर के इनको लगी। और भी बहुत जगह पे लगी लेकिन इनकी डेथ हो गई थी फिर। और बहुत ही एक ये था कि टॉप का ऑफिसर का मरना ये होता है कि फोर्स का मोराल टूट गया, लेकिन इनकी डेथ ने जो फोर्स थी उसको एक अलग ही उत्साह दिया, एक अलग ही दिशा दिखाई कि नहीं अब हमारे को करना ही, हमारे इसने सर को हार्म कर दिया, अभी इसने ही हैज यू नो हार्म्ड आवर सर। तो अलग जोश, अलग उत्साह। और ये वही हैं जिनके कारण आपके कसाब पकड़ा गया था, क्योंकि इन्होंने जो गोली मारी, इनके साथी ने जो गोली मारी, इन्होंने जो गोली मारी वो आपके कसाब के हाथ पर लगी। कसाब के हाथ पर लगने से उसे हाथ से AK-47 छूटी और कसाब पकड़ा गया जिंदा, तभी मार को सब पता चल पाया। हेमंत करकरे, ठीक है, इनका जन्म आपका 11 दिसंबर 1954 में हुआ था और इनकी मृत्यु आपकी 27 नवंबर 2008 में हुई थी। जबकि मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड के हेड थे, इनको मारा गया था आपके 2008 के मुंबई टेररिस्ट अटैक में, ठीक है, बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट। 2009 में इन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया था, जो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। करकरे को सक्सीड करा था आपके के पी रघुवंशी ने चीफ ऑफ ATS की तरह तौर पे। और इनको क्रेडिट करा जाता है कि जो थाने वाशी पनवेल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो उनको भी सॉल्व करने के लिए, और आपके 2008 के मेलगांव के ब्लास्ट को भी सॉल्व करने के लिए। इन्होंने IPS को ज्वाइन करा था एज ए मेम्बर आपके 1982 के बैच में। ATS चीफ के चीफ बनने से पहले ही आपके जॉइंट कमिश्नर पुलिस भी थे एडमिनिस्ट्रेशन के मुंबई पुलिस के। इन्होंने 7 साल ऑस्ट्रिया में भी सर्व करा था आपके रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग में, जबकि रॉ है जो इंडिया की टॉप मोस्ट ऑफ वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मतलब एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। फॉर्मर मुंबई पुलिस ऑफिसर की माने जो है आपके YC पवार, मिस्टर करकरे ये माना जाता है बड़े इन्फ्लुएंशियल थे आपके पुलिस सर्कल्स पर, इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते थे हर जगह से, जहाँ से निकलवानी होती थी। करकरे अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर लाइक अशोक कामटे और विजय सालस्कर के साथ कामा हॉस्पिटल के बाहर मारे गए जब LED टेरेस कसाब और उनके पार्टनर स्पाइल ने फायर खोल दिया आपकी पुलिस वैन पे, और ये उनका अशोक चक्र। अब मैं बताते हैं कि डेथ कैसी थी। देखिए, खबर आई थी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में, ठीक है, जो आपका CST है, जो ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पे आपके टेररिस्ट हैं। ये वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो खाली है, तो इन्हें किसी एक कांस्टेबल ने खबर दी कि वो तो आपके कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चुके हैं। ये कामा हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे जब इन्हें पुलिस इंटरसेप्ट आते कि एक लाल गाड़ी के पीछे आपके टेररिस्ट छुपे हुए हैं। वो टर्न लेते तो उन्हें दिखता है कि एक टेररिस्ट भाग रहा होता, तो इनके जो साथी थे सलस्कर जी और करकरे जी और कामटे जी, इन्होंने गोली चलाई और वो गोली लगी कसाब के दाएं हाथ पे, उससे हाथ से AK-47 छूटी, वो नीचे गिरा, इन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर इन्हें खबर मिली कि आपके जो बाकी के टेररिस्ट है वो आपके पतली सी गली में सेंट जेवियर कॉलेज और रंग भवन के बीच की गली में छुपे हुए। ये वहाँ पहुँचे तो टेररिस्ट ने आपकी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग खोल दी, इनको मारा गया सारे, ठीक है, लेकिन उसे भी मार दिया गया। लेकिन इसी एनकाउंटर के बीच में ये बहुत एक दुखद हादसा हुआ कि ये मारे गए अशोक कामटे जी, विजय सालस्कर जी मारे गए। तो बहुत एक आप कह सकते हो कि अब वेरी यू नो
एक बैड इंसिडेंट था, एक बहुत ज़्यादा ऐसे देश की एक मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक आईपीएस ऑफिसर मारा गया, क्योंकि आईपीएस इज लाइक द इंडियन पुलिस ऑफिसर। उसका मरना ये था कि फोर्स का मोराल टूट गया, लेकिन इन एक्चुअलिटी हुआ क्या कि इनके डेथ ने फोर्स के कैसा मोराल दिया कि वो बढ़ चढ़ के आ गए हैं। आप AK-47 को कंपेयर कर रहे हैं आपके शॉट गन से तो वो बहुत गलत होगा, लेकिन फिर भी हमने उन्हें मार गिराया, फिर भी हमने ऐसे करके दिखाया कि नहीं बस अब ख़त्म करना सब कुछ, और ख़त्म करा इन्होंने, और ऐसे करा कि फिर वो मरे तो गए इंडिस्क्रिमिनेटली। कसाब को भी हमने सारे इंटरोगेशन करा, हमने प्रूफ बनाया, लेकिन पाकिस्तान का रूप सबको पता ही है, उसने कहा नहीं है हमारे यहाँ से नहीं है, हमारे यहाँ से नहीं है, सबको पता किसने क्या करा था, ठीक है द वर्ल्ड नोज दैट पाकिस्तान वॉज इन्वॉल्व इन इट, लेकिन फिर भी हम क्या करें, कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि होप कर सकते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन अकल आएगी, फिर वरना पाकिस्तान को अकल आई नहीं आए उसका देश पक्का 4-5 हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे वो आजकल इंडिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज कर रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ये भी थी कि हेमंत करकरे जो मरे उनकी जो पुलिस वेस्ट थी वो बहुत सबस्टैंडर्ड थी, उन्हें बहुत ही गलत आपकी वेस्ट दी गई थी। कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि जानबूझ के दी गई, क्योंकि जो पुलिस वेस्ट थी वो पोस्टमार्टम से पहले आपके हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। 2018 में एक पिटिशन डली कि नहीं हेमंत करकरे जी को पेरिस ने नहीं मारा, उन्हें मारा गया है किसी और तरीके से, उन्हें मारा गया है किसी और ने, क्योंकि उन्होंने जो आपके मेलगांव का ब्लास्ट था उसमें उन्होंने एक सैफरन टेरर का टर्म बना दिया था, क्योंकि उन्होंने आपकी प्रज्ञा ठाकुर जी को अरेस्ट कर लिया था। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इन्हें पुलिस फेस की मतलब स्टैंडर्ड वैंडर्ड से कुछ नहीं था, सब सेम स्टैंडर्ड की थी, और पुलिस फेस को पेनिट्रेट करके गोली नहीं लगी, गोली कहीं और लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम में असक्सेस नहीं हुआ कि क्या पुलिस वेस्ट के कारण मरे ये या नॉर्मली ऐसे मरे, ये सिद्ध नहीं हुआ। तो इनकी ये डेथ के अराउंड एक कंट्रोवर्सी थी, लेकिन नो डाउट ये बहुत ही जवाब ऑफिसर थे, एक बहुत ही अच्छे पिता, एक बहुत अच्छे पति थे, और इनको हम सल्यूट करते हैं, अशोक चक्र से नवाजा जाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। वी सल्यूट अशोक सर, सॉरी वी सल्यूट हेमंत सर एंड हिज वेलर एंड हिज करेज। तो ऐसे हीरोज के अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई हीरो है हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। बाकी मंडे टू फ्राइडे आपसे मिलते रहेंगे ऐसी सेशंस में। तो गाइस इनकी बहादुरी के लिए एक बार प्लीज़ एक लाइक कर दें, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, और इस वीडियो को प्लीज़ फैला दें हर जगह, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इनकी बहादुरी ही है जो आज हम मुंबई फिर से घूम के आ रहे हैं, आज हम चीज़ें इन्जॉय कर पा रहे हैं। तो लाइक इट गाइस, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर कि आप ऐसे खुश रहें। मिलेंगे आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।